हेलो दोस्तों, मैं हूं मंदा, रेसिपी सिखाती हूं। मंदा डायरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूं मसालेदार पालक की पूरी। पालक वजन घटाने में मदद करता है, आँख और हड्डियां स्वस्थ रखता है। पालक में आयरन ज्यादा होता है और हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है, इसलिए हमें पालक जरूर खाना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं कि मसालेदार पालक की पूरी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। मसालेदार पालक की पूरी बनाने के लिए 2 चम्मच धनिया सूप का पाउडर, 4-5 हरी मिर्ची, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 कटोरी धनिया पत्ता, स्वादानुसार नमक, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच अजवाइन, 4 चम्मच बारीक वाली सूजी। अगर आपके घर में मोटी सूजी हो तो उसे आप मिक्सर ग्राइंडर में डालकर बारीक कर लीजिए। 2 कटोरी आटा, ग्राम में बोलो तो 300 ग्राम आटा है, और 1 कटोरी पालक, ग्राम में बोलो तो 500 ग्राम पालक है। पालक को हमें छांटकर साफ करना है। सबसे पहले हम पालक को गर्म पानी में उबालेंगे। गैस ऑन करना है और कढ़ाई रखना है, और कढ़ाई में 1/2 कढ़ाई तक पानी डालना है, और पानी को उबाले आने के बाद हम इसमें पालक डालेंगे। पालक को हमें धोना है, बाद में ही उबालना है। पानी को उबाले आ चुकी है, अब हम इसमें पालक डालेंगे और सिर्फ पालक को हम 1-2 मिनट ही पानी में उबालेंगे। रेसिपी बनाते बनाते हम बीच बीच में छोटी मोटी टिप्स देते रहते हैं, जिससे रेसिपी और भी अच्छी बनती है। तो यह वीडियो या फिर जो कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर हो उसे आप पूरा देखिए, ताकि आपकी भी रेसिपी परफेक्ट बने। पालक को हमें मीडियम गैस पर ही उबालना है। गर्म पानी में पालक उबालने से हरी हरी दिखती है और जल्दी भी पीस के होती है, इसलिए हमें पालक को 1-2 मिनट ही उबालना है। पालक उबाल के हो चुकी है, इसी तरह आपको पालक को उबालना है। अब हम गैस बंद करेंगे और पालक को 1 प्लेट में निकालेंगे, और ठंडा होने के बाद में हम इसे पीसेंगे। पालक ठंडी हो चुकी है, अब हम इसे पीसेंगे। एक मिक्सर जार लेना है और मिक्सर जार में पालक डालना है, 4-5 हरी मिर्ची और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल के हमें इसका पेस्ट करना है। यह देखिए पीस के तैयार हो चुका है। इसी तरह आपको पालक का पेस्ट तैयार करना है। अब हम मसाले वाला आटा तैयार करेंगे। एक परात लेना है और परात में 2 कटोरी आटा डालना है। ग्राम में बोलो तो यह 300 ग्राम आटा है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच धनिया सोप का पाउडर, और स्वादानुसार नमक डाल के सभी मसालों को आटे में अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले आटे में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें 4 चम्मच सूजी डालेंगे और आटे में अच्छे से मिक्स करेंगे। सूजी डालने से पूरी कुरकुरी बनेगी और कड़क बनेगी, इसलिए हमें 4 चम्मच सूजी डालना है। सूजी आटे में अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब हम इसमें पालक का पेस्ट डालेंगे और पालक के पेस्ट को पूरे आटे में अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो बनाएंगे। पानी हमें एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, क्योंकि आटे का डो हमें थोड़ा कड़क बनाना है। अब हम इसमें थोड़ा तेल डाल के मिक्स करेंगे। आटे का डो थोड़ा कड़क बनाने से पूरी को तलने के लिए तेल कम लगता है और पूरी भी कड़क बनती है, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। डो बनके तैयार हो चुका है, अब हम इसे फैलाएंगे और 1 कटोरी बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डालकर डो में अच्छे से मिक्स करेंगे। यह देखिए पालक का डो बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए सेट करने के लिए रखेंगे।
10 मिनट हो चुके हैं और पालक का डो सेट हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना के बेलन से बेलेंगे। सबसे पहले हमें थोड़ा तेल डालना है और थोड़ा बेलन को भी तेल लगाना है। अब हम इसे बेलेंगे। इसी तरह आपको पूरे डो की पूरी बेलना है और बाद में फटाफट तलना है। यह रेसिपी की डिमांड ज्योति जी ने की है, इसलिए हमने इसे बनाया है। अगर आपकी भी कोई डिमांड हो या फिर इस रेसिपी के बारे में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, हम जरूर ट्राई करेंगे। सभी पूरी बेल के हो चुकी है, अब हम इसे तलेंगे। गैस ऑन करना है और कढ़ाई रखना है। कढ़ाई में हमें ज़्यादा तेल नहीं डालना है, सिर्फ पूरी डूबने तक ही तेल डालना है। पूरी तलने के लिए हमें कढ़ाई बड़ी लेना है और फैलती लेना है और तेल कम डालना है, भर भर के तेल नहीं डालना है। और पूरी तलने के लिए हमें कड़क तेल गरम चाहिए। तेल गरम हो चुका है, अब हम पूरी तलेंगे। पूरी डालने के बाद इसी तरह धारे से थोड़ा थोड़ा तेल डालना है और पूरी को फुलाना है। पूरी तलते समय तेल हमें कड़क गरम चाहिए, तभी पूरी अच्छे से तल के होगी और फूलेगी। यह देखिए पूरी तल के हो चुकी है और फूल भी चुकी है। इसी तरह आपको पूरी को तल के फुलाना है। कड़क गरम तेल होने के बाद हमें गैस को मीडियम करना है और मीडियम गैस पर पूरियों को तलना है। पालक के पूरी को आप किसी भी चटनी के साथ खा सकते हो, नहीं तो अचार के साथ खा सकते हो, बटाटे का भरते के साथ खा सकते हो या फिर ऐसे भी खा सकते हो। पालक की सभी पूरियां तल के हो चुकी है, अब हम इसे एक प्लेट में सर्व करेंगे। सर्व करो, टेस्ट करो, एंजॉय करो और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी में। अरे रुको रुको, जाने से पहले लाइक करो, सभी के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर करो, ताकि जब भी कोई नई रेसिपी रिलीज हो तो सबसे पहले आपको मिले।